सर आपके पास नो पॉइंट कुछ भी है ना? जी जी सर। आप इसको क्यों बेचना चाहते हैं सर? इसको आप सीड फंडिंग कर लीजिए सर, अभी टोकन मिल जाएगा। सीड फंडिंग कर लेंगे, बेचने में दिक्कत आ रही है इसीलिए हम उसको कंफर्म हो जाएंगे, फिर खरीद के सीड फंडिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर तो आप इसको ना बेचिए, आप सीड फंडिंग में लगा लें। अभी आप सुनिए ना सर, आप अभी आप इसकी यूटीटी बनाइएगा, वहाँ आपका बीएनबी लगेगा, फिर इसको बैलेंस पे ले जाइएगा, वहाँ भी कुछ चार्ज लगेंगे सर। तो इससे फायदा है कि आपको सीड फंडिंग कर लेना। हम क्या कह रहे हैं सर? जी बोलिए सर। अगर इसको बेचते हैं तो बेचने में या तो मेरा बैलेंस वेरीफाई देख लीजिए, सिक्योरिटी देख लीजिए कैसे क्या है, इसीलिए दिक्कत आ रहा है। मतलब जैसे सेल करते हैं ना तो वो पेमेंट रिसीव हो जाता है, इधर से रिलीज नहीं कर पाते हैं, चाहे यूएसडीटी वो रिलीज नहीं होता है। चलिए फिर इसको आपकी सर दीदी को मैं बुलाता हूँ आपका, देखेंगे क्या है। या नहीं तो बैलेंस में सिक्योरिटी थोड़ा देख लें सर, मेरा क्या दिक्कत है उसमें। क्या प्रॉब्लम है बताइए। बाइनांस में जैसे कि सेल करते हैं ना, सेल करने के बाद वो पेमेंट रिसीव हो जाता है और इधर से जब एसेट रिलीज करते हैं तो वो नहीं होता है, वो इनेबल का ऑप्शन आता है, बहुत सारा ऑप्शन उसमें आ जाता है, इसीलिए हम चेक करना चाह रहे थे। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है आपका? क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? तो बैलेंस पे दिए हैं? चलिए सिक्योरिटी पे चलिएगा। क्या करें मैम? सिक्योरिटी पे जाइए, प्रोफाइल में जाइए। मुंडी को टच करें जी। हाँ रुक जाइए रुक जाइए, सिक्योरिटी का नाम आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए। पहले बाइनेंस लाइट में है आपका जी, प्रो में रख के करिए। प्रो में? हाँ बाइनेंस प्रो में पूरे काम किया करिए। प्रो में तो ठीक है सर, अब आप लाइट कर दीजिए। अच्छा ये लाइट है, ठीक है लाइट है, कैसे जानेंगे? देखिए नीचे जो ऑप्शन है ना आपका मार्केट सीड, उसके बाद आपको कन्वर्ट का ऑप्शन होता है, डिस्कवर का ऑप्शन आता है, पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है, ये होता है आपका, इसमें होता है लाइट में। अब इसको आप प्रो में करके किया करिए जो भी काम करते हैं, ठीक है? तो अभी सही है? नहीं नहीं लाइट है अभी, प्रो कीजिए। ऊपर मुंडी पे क्लिक कीजिएगा मैंने बताया।
ठीक है, मोबाइल नंबर भी डाला है। फिंगर आपका मोबाइल फिंगरप्रिंट कर रहा है जी? फिंगरप्रिंट का लगा रखा है आपने? हाँ फिंगर लगाए हैं। फिंगर लगा रखे हैं। दो बैक हुई है यहाँ से। बैक हुई है। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी जी क्लियर है जी। बैक हुई है। मास्क की लिखना ना जो ऊपर उस पर क्लिक कीजिए। सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए। अब आया पास की। पास की पे क्लिक कीजिए। आया, हमें तो नहीं दिख रहा अभी तो। आप बैक है और वहाँ पास की पर क्लिक कीजिए। ऊपर वाला ही पास की है सर? ऊपर वाला पे क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर वाला पास की जी। ये तो दिख रहा है। हाँ, एड अथेंटिकेटर पे क्लिक कीजिए। कर दिए। ईमेल पे जाइए। ईमेल पे जाइए। पे कोड आया होगा, ओपन कीजिए कोड को। ईमेल पे जाइए। हाँ वो देखिए ऊपर आया है। अच्छा रुके, एक मिनट रुके, बैक होइए, कैंसिल कीजिए।
क्लिक कीजिए एटा थर्टी कट रुपये इसको हटाइए कट कर दें। हाँ उंगली वाला निशान वाला देख रहे हैं फर्स्ट में है कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ टच करके देखिए टच कर रहे टच करके देखिए हो रहा है क्या कहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे नहीं हो रहा ऊपर कीजिए स्क्रीन कंटिन्यू बस इतना ही कंटिन्यू ये देखिए क्या लिखा है कनेक्ट योर सिक्योरिटी की टू योर डिवाइस इफ यू इफ योर की हैज अ बटन और अ गोल्ड डिस्क टैप इट नाउ जो गोल्ड कलर का बना हुआ है ना वहाँ पे टच करिए ऊपर बटन जैसा बना है या बीच में बना है दोनों में से किसी में भी टच कीजिए नहीं होता है करिए तो सर फिंगर बने वहाँ पे नहीं नहीं होता है मैम मोर ऑफ सेकंड फर्स्ट वाले में क्लिक कीजिए फिर वही आ जाता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है आपका जाइए तो बैग बैग जाइए यहाँ से और बैग जाइए जरूरत है आपको करने की देखिए रिकमेंडेड ही होगी क्या मैम रिकमेंडेड यानी कि जरूरत है आपको करने की आपके बाइनेंस में एक और सिक्योरिटी लगाने की आवश्यकता है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है हाँ हाँ आवाज आ रही है बोलिए कैसे पास की पे जाइए एक बार नीचे टच कीजिए एड्रेस इंडिकेटर पे कंटिन्यू कीजिए फिर से मोर ऑप्शन पे जाइए दिस डिवाइस पे क्लिक कीजिए आया आपका फिंगर लगाने का ऑप्शन लगाइए फिंगर लगा दिए लगा दिए चलिए हो गया लेट अब हो जाएगा आपका सेल हो गया सर अब हो जाएगा हो गया जी हो गया